तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ जम्बो ब्रेड की। जो बेकिंग होती है ओवन के अंदर, जो टेम्परेचर लिया जाता है, कितना टेम्परेचर लिया जाता है, कितने टेम्परेचर पे पकती है और कितना टाइम में पक जाती है, तो इसी बारे में मैं थोड़ा आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में एक बना चुका हूँ ऑलरेडी, पर किसी किसी को वो वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं अलग अलग पार्ट करके वीडियो डालने वाला हूँ उसी के बारे में। तो अभी मैंने देख लीजिए, तो ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने छोड़ दिए जम्बोस बिल्कुल ही सेट करके राउंड राउंड। उसकी जितनी भी मेरे को लेयरिंग वगैरह निकालनी थी, एयर निकालने थे, निकाल के और मोल्ड में मैंने सेट कर दिया। अभी इसको मैंने जस्ट सेट करा है और ओवन अभी अपन ने स्टार्ट नहीं करा है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले करता हूँ ओवन को स्टार्ट, ठीक है। ये वाला मेरा चलता नहीं है, मैं ये वाला चालू करूंगा। ये देखिए, फ्रेम लग गई है। अभी जो गाइस ओवन का टेम्परेचर चल रहा है, जो मिनिमम 50 डिग्री के 50 सेल्सियस के आसपास चल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है। ये तो हर ओवन में नॉर्मल रहता है रूम टेम्परेचर, वो वाला है। अब इसको करने होने देंगे हम गरम, अच्छे से गरम हो जाएगा। कितना टेम्परेचर रहेगा, मिनिमम 150 मेरे को यहाँ पे चाहिए। परमानेंट हम पकाते हैं उसमें मेरे को 150 चाहिए होता है जम्बो ब्रेड के लिए, 150 टेम्परेचर चाहिए। और किसी किसी के ओवन में रहता है कि 220 या 280 ऐसा कुछ हाई टेम्परेचर रहता है। वो अलग अलग ओवन होते हैं, सारे ओवन के अलग अलग टाइप से चलाना पड़ता है उनको। बाकी ये वाला ओवन है जो 150 पे चलेगा, तो मैं इसको इंतजार करता हूँ 150 होने का और इसके बाद ये इनको इम्प्रूव होने का। तो गाइस यार, काफी लोगों की शायद कभी कभी बहुत ज्यादा ये रहता है, प्रॉब्लम रहती है कि वो जब भी अपनी जो ब्रेड होती है, ब्रेड को फोल्डिंग करते हैं या फिर फोल्ड करने के बाद भी उनके अंदर एयर रह जाती है। आपको पता ही होगा एयर के बारे में, जब ब्रेड के अंदर एयर रह जाती है, अगर बड़ी रहती है, छोटी रहती है, जैसी भी रहती है, पर वो ब्रेड को बिगाड़ कर रख देती है, पूरी ब्रेड को अंदर से खोखली करके रख देती है अगर थोड़ी बहुत भी एयर अंदर बच गई। तो गाइस काफी जनों का तो रहता है दिमाग में कि यार कैसे सही करे, तो उसका सिर्फ अच्छे से यही तरीका है, क्योंकि पहले तो फोल्डिंग अच्छी सी होनी चाहिए। फोल्डिंग अगर फिर भी नहीं हुई और आपको डाउट लग रहा है, अगर आपको डाउट लग ही रहा है, तो आपको क्या करना है, कुछ नुकीली चीज ले लेनी है इस तरीके की, और नुकीली चीज लेके आपको क्या करना है, ये ऐसी नुकीली कोई भी चीज लेके, कैंची है, चाकू है, कुछ भी लेके और छेद कर दीजिए। पूरी ब्रेड में आप ऐसे ही करते रहिए, आप अच्छी तरीके से फोल्डिंग करके फिर लगाई हुई है, तो मेरे को जरूरत नहीं है इनमें छेद करने की। बट हालांकि जिसके भी मन में डाउट रहता है कि उसके एयर रह गई है, तो वो ये चीज आराम से कर सकता है। और ज्यादातर लोग यही करो कि अच्छा ही रहेगा आपके लिए भी, पंचर कर दीजिए आटे को मस्त तरीके से, छेद करिए आराम से, पंचर करके छोड़ दीजिए इसको, ताकि इसके अंदर जितनी भी एयर बची होगी ना, वो एयर भी फ्री हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो गाइस ये देखिए, ये मेरा टेम्परेचर बिल्कुल अच्छे से 150 पे आ चुका है। ये अभी चालू है फ्लेम, ये अभी 5 से 6 मिनट में आ जाएगा। और इसके बाद देखिए टेम्परेचर मैंने लगा दिया है, यहाँ पे टेम्परेचर लगा दिया, टाइमर लगा दिया मैंने, 45 मिनट्स का लगाया था, 5 मिनट मेरे को हो गए हैं ऑलरेडी। और ये देख लीजिए जम्बो मेरी सारी अंदर लग चुकी है, ये देखिए सारी जम्बो मेरी पांचों की पांचों अंदर लग चुकी है और टेम्परेचर ये रह रहा है, ठीक है। ये आपके सामने सब कुछ दिखा रहा हूँ। अब जब पक के बाहर आएगी, 45 मिनट्स के बाद ये पक के बाहर आएगी, तब का और सीन दिखाता हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये अपनी जम्बो बन के रेडी हो चुकी है, बाहर आने ही वाली है बस 16 सेकेंड। और बाकी तरीके से मेरी जो ब्रेड है बनके रेडी हो चुकी है, मस्त तरीके से निकल के बाहर आ गई है, ना तो कहीं से कोई कटी फटी
और ना ही कोई एयर रहेगी इसमें। इसको मैं लास्ट में फिर काट के भी बताऊंगा। तो गाइस एक अलग से पार्ट ये पूरा ब्रेड का हो चुका है, सिर्फ टेम्परेचर का और बेकिंग का। अब इसके अलावा भी आपको और भी पार्ट्स चाहिए तो फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।